ये क्या है 23% है, कितना है हमारे पास 23%। तो ये 23% कैसे आता है, ये भी हमारे पास डिसॉल्व हो जाता है, मतलब अंदर आ जाता है ब्लड के और फिर अंदर आता है हमारे पास यही CO2 रेड ब्लड सेल के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, अब ये तो हमारे पास रेड ब्लड सेल के अंदर ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा अलग काम है जो यहाँ पे नहीं हो रहा, जिसको अलग से बताना पड़ता है, तो वो समझो कि यहाँ पे शुरू में हीमोग्लोबिन था, क्या था हमारे पास हीमोग्लोबिन, इसको मैं यहाँ पे साइड पे यहां से लिख लेते हैं, यहां पे समझ के फिर वहीं पे काम करते हैं सारा, ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, अब जब ये CO2 बाहर था उस वक्त इस ब्लड के अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या चीज अपने साथ लेकर आती है, हमने पिछले 2-3 लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया कि वो हीमोग्लोबिन अपने साथ ला रही है किस चीज को, वो ला रही है हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन को, किसको ला रहे हैं ऑक्सीजन को, तो वो हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पास आ रहा था, Hb4O2 के फॉर्म में आ रहा था। लेकिन अब जब यहां पे वो ऑक्सीजन पहुंचता है तो देखते हैं कि प्रोटॉन आयंस तो यहां पे बहुत ज्यादा हैं, प्रोटॉन आयंस ज्यादा है मतलब पीएच कम है, पीएच कम है तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में ये बात डिस्कस की थी कि जब पीएच कम हो तो हमारे पास हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो अफिनिटी है वो कम हो जाती है। अगर वो अपने साथ किसी तरीके से लटका के ला रहा था ऑक्सीजन को, कौन, हीमोग्लोबिन, तो वो ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाती है, क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और रिलीज होने के बाद वो ऑक्सीजन तो चली जाएगी टिश्यूज में, हीमोग्लोबिन बेचारा पड़ गया अकेला, क्या पड़ गया अकेला, तो इसके बफर के लिए क्या होता है कि ये जो हमारे पास प्रोटॉन HCO3 तो इधर हो गया था, ये जो प्रोटॉन बचा है, ये प्रोटॉन, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेगा, हीमोग्लोबिन के साथ हमारे पास जुड़ जाएगा और ये एक और कंपाउंड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं HHB या फिर हीमोग्लोबिनिक एसिड, HHB या फिर हीमोग्लोबिनिक एसिड। जब ये हीमोग्लोबिनिक एसिड कब जुड़ता है, जब 4O2 वहां से रिलीज हो जाता है, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि Hb4O2 प्लस H पॉजिटिव, जब ये काम होता है तो H जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है, तो वो ऑक्सीजन चली जाती है टिश्यूज के पास, क्योंकि वहां पे उसको क्या हो रहा था, वहां पे उसकी जरूरत थी, तो वो तो उधर चली गई, जो हीमोग्लोबिन बेचारा अकेला रह गया था उसके साथ वो प्रोटॉन जो है वो मिल जाता है और वो बन जाता है हमारे पास HHB, या इसका नाम क्या होगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिनिक एसिड है, यहां पे एक कंसेप्ट है जिसको और से सुनना है, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन था उस हीमोग्लोबिन में हमने कहा था कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स होते हैं, एक हीम ग्रुप है, ठीक है, दूसरा ग्लोबिन पार्ट है, जो प्रोटीन पार्ट है, जो हमारे पास अल्फा और बीटा चेन्स है, दो ग्रुप से। अब हीम वाला ग्रुप क्या कर रहा था, वो तो ऑक्सीजन को ला रहा था तो उसका तो काम हो गया। अब वापसी में ग्लोबिन है, ग्लोबिन हमारे पास क्या है, ग्लोबिन हमारे पास है प्रोटीन, प्रोटीन मतलब क्या है कि इसमें होंगे अमीनो एसिड्स, क्या होंगे अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स हैं तो इट्स मीन कि इसके अंदर ग्रुप होगा NH2, क्या होगा NH2, अमीनो ग्रुप होगा उसके अंदर, ठीक है, अमीनो ग्रुप होगा ना, अमीनो ग्रुप के मायोटीज होंगे, क्योंकि ग्लोबिन प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, तो इट्स मीन इस हीमोग्लोबिन के पास एक तो हीम ग्रुप है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दूसरा ग्लोबिन पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट में हमारे पास क्या है अमीनो ग्रुप से, अमीनो एसिड के तो बना हुआ है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जब हमारे पास इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा नहीं होता तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास ये एबिलिटी होती है कि वो इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाए, ये कार्बन डाइऑक्साइड उठ के इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ेगा लेकिन कहां जुड़ेगा, जो प्रोटीन पार्ट है, जो हमारे पास अमीनो ग्रुप पार्ट है उसके साथ जुड़ेगा, हीम ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ता, हीम ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। लेकिन जब हीम हमारे पास हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन ना हो, यानी वो सैचुरेटेड ना हो, तो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जुड़ेगा इस हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट के साथ या प्रोटीन पार्ट के साथ, ज्यादा उसके हम
अंदर जाते हैं तो ज्यादा हमारे पास ये कि किसके साथ जुड़ेगा, अमीनो ग्रुप्स जो होते हैं उसके साथ जुड़ के ये वाला कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड के नाम मैं दो बताता हूं फिर से, हालांकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्या है हमारे पास, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये तो बुक में लिखा हुआ है फेडरल बोर्ड के। एक इसका दूसरा नाम भी है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये अमीनो कहां, ये वाला जो हमारे पास ग्लोबिन पार्ट है उसकी वजह से इसमें अंदर अमीनो भी आ गया, तो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन CO2 जो है ये हमारे पास कंपाउंड बन गया जिसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इस तरीके से जो 23% CO2 है ये जो हमारे पास खाली रह जाने वाला हीमोग्लोबिन है उसके साथ जुड़ जाता है, उसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और उस जुड़ने की वजह से क्या है कि अब इस हीमोग्लोबिन ने किधर जाना है, वापस इसी हीमोग्लोबिन ने वापस तो जाना है लंग्स के पास, किसके पास जाना है, लंग्स के पास, क्योंकि अभी बाकी ऑक्सीजन जो है वो उठा के लाने वाला है। तो जब ये वापसी में जाएगा तो वापसी में ये थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ ले जाता है कि मैंने तो वैसे भी उधर जाना है, चल तू भी मेरे साथ बैठ जा, लेकर चले जाता हूं, तो ये लिफ्ट दे देता है उसको। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कितने परसेंट जा रहा है, 23%, 70% तो याद रखना कि वो हमारे पास बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है, जबकि क्या है 23% किसके थ्रू जा रहा है, हीमोग्लोबिन के थ्रू जा रहा है। यहां पे एक बड़े इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट उठता है वो ये उठता है कि अगर हम गौर से देखते हैं तो प्लाज्मा के थ्रू सिर्फ ये 7% नहीं जा रहा, ये 7% तो वो वाला जा रहा है जो डायरेक्टली प्लाज्मा में किसी और चीज के साथ, मतलब उसमें डिसॉल्व हो जाता है वाटर में या उसके बाकी किसी सब्सटेंस के साथ वो CO2 डिसॉल्व होके चला जाता है। लेकिन अगर हम गौर से देखते हैं तो ये जो हमारे पास बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट भी तो रेड ब्लड सेल में सिर्फ बाइकार्बोनेट्स बने, CO2 ने खुद को सिर्फ बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए रेड ब्लड सेल के अंदर एंट्री ली, लेकिन उसके बाद वो फिर क्लोराइड शिफ्ट के थ्रू बाहर आया और HCO3 पे प्लाज्मा के अंदर सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट रेड ब्लड सेल के अंदर वापस नहीं जाता बल्कि ये भी प्लाज्मा के अंदर होता है। तो ये जो 70% है बेसिकली ये भी प्लाज्मा के थ्रू ही कैरी हो रहा होता है, लेकिन किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में 70 हुआ, बाकी 7% प्लाज्मा में वैसे डिसॉल्व फॉर्म में चला गया। और इस तरीके से हमारे पास, क्योंकि अब ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी था वो इन तीनों तरीकों से ब्लड के अंदर आ गया, कि हर जो हमारे पास CO2 के कुछ क्वांटिटीज है खुद को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया, कोई बाइकार्बोनेट बन गए, कोई कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, कोई वैसे ही प्लाज्मा के साथ लटक लिए, लेकिन सारे ने खुद को एडजस्ट कर लिया। अब ये तो हो गया, अब उसके बाद होगा क्या, ये ब्लड है ये यहां से निकलने के बाद क्या करेगा। अब इस ब्लड के साथ जो इतना कांड हुआ है कि वो तो आया था बेचारा क्या करने, ऑक्सीजन को डिलीवर करने, लेकिन ये जो बाकी मवाद था वो भी तो उसके साथ लटक लिया, तो अब ये वापस जा रहा है, वापस जाएगा कहां जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर भी बेसिकली कहां जाएगा, ये जाएगा हमारे पास एल्वोलस के आगे पीछे जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती है जो प्रोफ्यूजन होती है, तो ये उसी में तो जा रहा है। तो जब ये वापस ये वाला ब्लड जाएगा, बिलफर्ज ये ब्लड अब गया वापस चला गया, फिर मैं वही कैपिलरी है उस कैपिलरी है, लेकिन अब इस कैपिलरी की गिर्द क्या है, हमारे पास एल्वोलस है। इस एल्वोलस को मैं बना लेता हूं ब्लू करके, ये तो मैंने बिल्कुल ही जोड़ दी, ये क्या, इसको नहीं यूज करते, ये हमारे पास है एक एल्वोलस, ठीक है, क्या हमारे पास ये एल्वोलस है। अब ये हमारा सिंपल वही ब्लड आ गया, वो जो सारा काम हो गया था टिश्यूज लेवल पे वो तो हो गया। अब जब ये एल्वोलस मतलब लंग्स के अंदर ये आया, तो लंग्स के अंदर अब देखो यहां पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू भी आ रहा था, तो यहां पे इस ब्लड के अंदर, ये जो ब्लड है इस ब्लड के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्या है हमारे पास CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, एल्वोलस है, एल्वोलस है मतलब लंग्स के अंदर है, CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, किस चीज का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है लंग्स के अंदर, CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है। यहां पे
ये जो गंदा खून था, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ना होने के बराबर है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहां पे बहुत कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो होगा क्या, ये जो पीओ टू है वो डिफ्यूज कर जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाएगा इस ब्लड में, जबकि ये जो सीओ टू है वो डिफ्यूज कर जाएगा इस लंग्स में, एल्वोलस में। कैसे, बाइकार्बोनेट में जो आ रहे थे वो सिंपली इस पूरे रिएक्शन को रिवर्स कर दो, NHCO3 जिस रस्से से आया था उस रस्से से इसको वापस भेज दो, NaHCO3 है जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट होगा, बाइकार्बोनेट फिर अंदर जाएंगे, फिर वो CO2 में कन्वर्ट होंगे, CO2 में कन्वर्ट होके डिफ्यूज हो जाएंगे बाहर, किसमें, CO2 में आ जाएंगे हमारे पास लंग्स में, ठीक है। इसी तरह जो हीमोग्लोबिन के साथ आ रहा था, इस हीमोग्लोबिन वाले के साथ बहुत ही नाइंसाफी होती है, वो कैसे होती है कि हमारे पास एक इफेक्ट है, एक हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, यहां पे डिस्कस कर लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट, क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। इस इफेक्ट का मतलब क्या है, ये इफेक्ट कहता है कि अगर हीमोग्लोबिन, इस इफेक्ट को सुनो, हेल्डेन इफेक्ट क्या बोलता है, वो ये बोलता है अगर हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड नहीं है, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ने की पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर कहीं पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा कि ये हीमोग्लोबिन CO2 को धक्का मार देगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से वो दोबारा क्या करेगा, दोबारा से ऑक्सीजन को उठा लेगा। तो सेम यही सीन, ये हमारे पास हेल्डन इफेक्ट यही है कि अगर सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन है, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन बाउंड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ बाइंड नहीं कर सकता। अगर हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड नहीं है, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर रहा, तो फिर CO2 जो है वो कर सकता है। अब पिछले फिनोमिक टिश्यू वाले लेवल पे जाएं तो क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज कर चुका था, तो वहां पे फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा नहीं था और हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड नहीं था, तो उसने तो CO2 उठा लिया। लेकिन जब वो लंग्स के पास पहुंचता है तो लंग्स में देखो जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा है। जब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा अंदर। अंदर डिफ्यूज करने के बाद अब देखो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो CO2 है इसको हीमोग्लोबिन कहेगा तू परे हट क्योंकि मैनू लेंदा के, मतलब की लेना मैं ऑक्सीजन नु चुकना, तो ओई कम होएगा इथे, यहां पे क्या होने वाला है, हीमोग्लोबिन वो अब दोबारा से ऑक्सीजन को उठा लेगा, CO2 को बाहर निकाल देगा, वो CO2 डिफ्यूज हो जाएगा लंग्स एल्वोलस के अंदर, और जो प्लाज्मा के थ्रू CO2 आ रहा था वो वैसे ही डिफ्यूज हो जाएगा एल्वोलस के अंदर। तो अब ये जो CO2 जो है वो एल्वोलस में ज्यादा होना शुरू हो जाता है और इसके ऊपर एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो दैट वॉज All about transport of carbon dioxide in the body. के टिश्यू लेवल पे तीन मैकेनिज्म हैं जो के ट्रांसपोर्ट ऑफ किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। नंबर वन एज अ बाइकार्बोनेट आयन, नंबर टू एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, नंबर थ्री एज डिजॉल्व इन प्लाज्मा। कितना, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% और प्लाज्मा के फॉर्म में 7%। तीनों काम कैसे होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है हम तसल्ली से डिस्कस कर चुके हैं। हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है हम तसल्ली से डिस्कस कर चुके हैं। कैसे लोडिंग होती है, कैसे अनलोडिंग होती है, तो कार्बन ऑक्सीजन जो है अभी इसके बाद इसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, वही दोबारा से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, तो वही साइकिल चलेगा जो हम पिछले 2-3 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी। उसके बाद वहां टिश्यू में ऑक्सीजन रिलीज, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आई, लंग्स के पास पहुंचा, ये सारा काम हुआ कार्बन डाइऑक्साइड दफा। और इस तरीके से हमारे पास रेस्पिरेटरी साइकिल जो है वो भी चल रहा होता है और हमारा ब्लड जो है वो गैसेस को कैरी कर रहा होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वाले वो हम ऑलरेडी जो है इस पे बातें कर चुके हैं, हीमोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इस पे ऑलरेडी हम लेक्चर जो है मौजूद है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ,
होप सो कि आज का जो लेक्चर है वो काफी हद तक समझ आ गया होगा। कोशिश करूंगा एक लेक्चर में, नहीं तो दो पार्ट्स में अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह ये लेक्चर। तो मुझे इजाजत दो, मुझे दुआओं में भी याद रखो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।